हेलो माय बेबी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज भी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने, मतलब ट्रिप के लिए। आज का दिन हमारे पास है और कल हम लोग जा रहे हैं और हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी। अभी आफ्टरनून में है वैसे, क्योंकि नाइट की मुझे नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने साहिल को बोला आफ्टरनून की करो या अर्ली मॉर्निंग की करो। तो अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच की है, तो अभी चलते हैं फटाफट। जो जो सामान मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बस वो फटाफट मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर नहीं है और मुझे सेव भी करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल मुझे ऐसे ऐसे हो जाए वहाँ पे कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ काजल क्या कर रही है। हाँ, वेरी गुड काजल, तू तो बन सकती है यार, वो जो होते नहीं है सर्कस में। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, नाइस नाइस नाइस। कोई नींबू नहीं है, कोई मसाला नहीं है। हाँ, ये क्या आजकल इतना मसाला है वो? अरे सिर्फ नॉर्मल मसाला है, स्वीट पोटैटो। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, बिल्कुल ठंडी है। हाँ अब बताओ। ये क्या है? मिर्ची मत डालना। पेटी कितना हो गया? 80। सो गाइज, अभी लोकल मार्केट से तो शॉपिंग कर ली है, मुझे तो कुछ इतना खास मिला नहीं, बस काजल को मिला है। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल और वहाँ पे मैं देखूँगी जो जो मुझे चाहिए था। और साहिल तो बार बार हमें छोड़कर जा रहे थे, तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। एक दिन तो रहता ही है, परसों तो मैं चली जाऊँगी, फिर अकेले रहना है। तो मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा अपनी पसंद से कुछ दिला देते, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे फोर्स भी नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा मन होगा, इस अपनी खुशी से कोई कुछ दिलाएगा तो ही बात है। ऐसे जबरदस्ती आप बोलोगे मेरे साथ चल मेरे साथ चल, तो अच्छा नहीं लगता। तब से ये तबीयत खराब हुई है ना, तो बहुत इरिटेशन हो रही है। एक तो आवाज़ मेरी इतनी चेंज हो गई है, गला दर्द कर रहा है। वहाँ पे कई कई जगहों पे एसी चला हुआ था, तो चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया। तो मैं यही सोच रही थी, अभी भी मेरा ना प्रॉपर सही हुआ नहीं है ये। फिर वही है कि अब क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरा मूड मतलब वैसे ऑफ है अपनी तबीयत को लेके, क्योंकि अंदर से जब तक आपका मन खुश नहीं होता ना, तब तक आप खुश नहीं रह पाते। मतलब तब तक आपके अंदर से तबीयत सही नहीं होती, आप खुश नहीं रह पाते, ये बात थी। तो अभी मैं जैसी हमने इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी होनी चाहिए ना, वैसी जोरों शोरों से हो नहीं पा रही है, सब कुछ बहुत लो लो सा हो रहा है। मैंने कितना कुछ सोचा था, ये लेकर जाऊंगी वो लेकर जाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं ले पाई मैं कुछ भी। अब जो पुरानी मैं शॉपिंग करके लाई हुई हूँ ना, उन्हीं में से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी मुझे। खाना, क्योंकि तुझे जाना है। कितनी ज्वेलरी लेंगे, मैंने घर पे भी मंगा लिया यार, पर मैं इनसे ना पता नहीं क्यों देखती, मेरे को ऐसे होता है कि ये भी ले ले ये भी ले ले। ये थोड़ा यार कपड़े कुपड़े नहीं लेते हैं, सीधा कॉफ़ी और पेस्ट्री खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे वैसे भी स्टारबक्स है, तो मेरा मन है जाने से पहले वहीं चल लेते हैं। वहाँ तो मिलेगा अरे वहाँ साहिल के साथ अंतरिक्ष में जा रहे होगी। हाँ अंतरिक्ष में जा। ये क्या बना रखा है? अंतरिक्ष, इसी में ही जा रही हूँ मैं अंतरिक्ष में। छोटे बच्चे आए हैं बेचारे, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, ये व्लॉग कर रहे हैं इसका। सेंटा क्लॉज है नीचे और ये, हाँ ये उड़ता है। चलो साहिल आपको बैठाऊँ इसमें, चलो चलो बैठाऊँ, चल चल तू चल इसे बैठाओ पहले। Oh.
मुझे अपने लिए और काजल के लिए ये मिला है। ये भी ले। ये नहीं, ये देखो, या फिर ये वाला, ये अच्छा हम सुअर हैं। या फिर ये वाला ले ले यार, इतने सारे ये ले लेते हैं एस्थेटिक। ये तो बच्चों वाले हैं, पर मैं तो बच्चों वाले यूज करूंगी, सॉफ्ट होते हैं ना। और कोई देख सुंदर सा। सो गाइस अब ये नहीं ले रहे हैं, हमने ये लिया है, ये मुझे पसंद आया। चलो अब टाल लेते हैं। शिल्पा के साथ हम देश छोड़ के जा रहे हैं और वापस लेंगे सब। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है टाल, उधर है। काजल देखे ये फोन? अरे ये वो है। ये टाल कितना क्यूट नहीं है? अभी तू पागल है क्या? ले ली सुई धागा? किसने लिया है सुई धागा? क्यों लिया है? मम्मी को चाहिए। अच्छा तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। तेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मेरा ना सर दर्द कर रहा है। अब कुछ सामान मिला नहीं है, ऊपर से टाइम वेस्ट इतना हुआ है। थोड़ा थोड़ा सामान मिला है और अभी हम जा रहे हैं ट्राईपॉड लेने का, क्योंकि मैं वहाँ कैमरे से शूट नहीं करूँगी, मैं अपने फ़ोन से करूँगी। जल्दी जल्दी चल रहे, तेरी वजह से लेट हुए हैं आज। इसको तो फिर भी ऑलमोस्ट सारा सामान मिल गया है। क्या अटक गया है आपका? कहाँ आपने कौन सी चीज़ बना रखी है जो मुझे नहीं दिख रही है? ये ना सब चाइनीज आइटम्स होती हैं। अरे ये तो है ना हमारे पास, ये तो ये इससे कुछ नहीं होता। 4-5 साल पहले खरीदी होगी। हाँ मैं वही बता रही हूँ इनको। एक नया ट्राईपॉड मंगवाया है अभी भैया ने मेरे लिए, और मैं बाद में दिखाऊंगी। ऐसा मिलेगा नहीं आपको कहीं भी। क्या नाम है इन्होंने भैया इस ट्राईपॉड का? इस ट्राईपॉड का नाम है लाइव सेल्फ टाइमर ट्राईपॉड। ओके ओके, अच्छा ठीक है। नहीं अभी जो ये बन गया, इसके बाद ये कुछ और हो गया ना? इसके बाद कह सकते हैं कि ये कस्टमाइज है। कस्टमाइज वन इन इंडिया। हाँ कोई भी स्किन आप लगवा सकते हो यहाँ से लेके। तो मेरी तो उन्होंने अपनी मर्जी से लगा दिया। मैं ट्राई कर रहा था और ठीक लग गई, पर बहुत सही लग गई। तेरे वाला बहुत अलग है खाजल, तेरे वाले में तो लग भी नहीं सकते। So guys अभी हम शॉपिंग करके आए थे और जो थोड़ा बहुत सामान। शाबाज हेलो, शाबाज मेरे को अंकित ने नंबर दिया आपका, आपके मैनेजर है ना? एक्चुअली यार मैं अपना वहाँ पे बैग छोड़ गया हूँ गलती से, लाइफस्टाइल का मेरा वहाँ 15 नंबर पे रखा होगा। हाँ प्लीज प्लीज मैं आ ही रहा हूँ, रस्ते में ही होगी मैं। सामान भूल गए हैं गाइस, और अभी घर आ गए थे मम्मा पास, अब दोबारा जा रहे हैं। और खाना मम्मी ने जस्ट अभी सबका डाल के रखा था, लेकिन हम छोड़ कर आ गए क्योंकि हमारा सामान रह गया। पता नहीं कहाँ तीनों का दिमाग था, स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पीने की लगी हुई थी, ये नहीं किसी ने चेक किया कि सामान है हमारे पास या नहीं। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। किसी को ध्यान नहीं था आपको पता है, वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही मम्मा को दिखाने के लिए बोला कि मम्मा मेरा और काजल का सामान इकट्ठा है तो मैं अपना अलग कर लेती हूँ। तो साहिल ने बोला हाँ अंदर रखा हुआ है जाओ। मैं अंदर गई और मैंने जस्ट इतना ही देखा कि वो ही बैग नहीं है, और मैंने आते ही बोला कि बैग नहीं है, कहते अंदर ही होगा। और सोचो वो बैग वहाँ मॉल के अंदर है, यहाँ घर तक आया ही नहीं है। एक चीज अच्छी है कि हमने इनका प्रमोशन किया था ना, तो इनके मैनेजर हमें जानते थे, तो उन्होंने बोला कि संभाल के रख लिया था ना पाजल। चलो इससे पहले बंद हो जाए बेबी, इतना भी तेज नहीं बोला था। मिल गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो मैं कुछ दिलाता हूँ। चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर चलो। क्या नहीं, सवाइज हम दोबारा तो आए, लेकिन दोबारा मुझे इसीलिए आना था क्योंकि मुझे नायका से कुछ चीज़ें लेनी थी। और मैंने ना ये एक सीरम लिया है, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, पर ये 6,000 रुपीज़ का है यार। और साहिल ना पहली बार ऐसे बोलते मुझे, देख लो सही लग रहा है नहीं लग रहा है, मैंने बोला सही लग रहा है। और ये भी इतनी महंगी महंगी दी है उन्होंने, मतलब ये एक उन्होंने मुझे सनस्क्रीन दी है, ये भी कुछ 3,800 की है। और साहिल को ये लग रहा था कि इतनी महंगी सनस्क्रीन, इतनी महंगी है। मैंने बोला मेरी बहुत ओवर सेंसिटिव स्किन है, तो मैं ऐसी नॉर्मली कुछ भी यूज नहीं कर सकती। अब वो भैया भी पुलकित थे, वो भी थोड़े से ऐसे थे कि उन्होंने मुझको बोला, अरे मैम आपकी तो ओवर सेंसिटिव है, आपके ऊपर तो ये जाएगी, आपके ऊपर तो वो जाएगी। और साहिल को ये हो गया 6,000 का सीरम, 7,000 का सीरम, 8,100 का, ये इतनी महंगी आती है लड़कियों की चीजें।
पर आज मेरे दिल को दर्द हुआ थोड़ा। आपने हर चीज का प्राइस पूछ के मुझे ऐसे बोला ना, इतना महंगा। हाँ महंगा है, मुझे भी पता है। अब मैं उसको यूज नहीं करूंगी, रख दूंगी लैमिनेट करा के। यूज ही नहीं करूंगी गाइस सीरम को, यू रख ही दूंगी। मैं तो यार इतनी ज्यादा चीजों में पीछे हटती हूँ मेकअप के, कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आपको पता ही है मैं इतनी प्रमोशन वीडियोस बनाती हूँ, जो सामान आता है उसी को ही यूज कर लेती हूँ। मैं तो कभी भी अपनी स्किन की केयर ही नहीं करती। पर साहिल ने ऐसे बोला, इतना महंगा इतना महंगा, वो दुख हुआ गाइस। गाइस एक चीज तो बताना भूल ही गई, वहां पे ना मैंने डियोर का फाउंडेशन यूज किया, उन्होंने टेस्टर मेरे हाथ पे लगाया, तो मैंने कहा अब इसको क्लीन कर दो, क्योंकि मेरी शेड में वो था नहीं। तो कहते मैम आपकी शेड में तो ये नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया सही बोल रहे हो, तो इसको निकाल दो। तो उन्होंने जब उसको निकाला ना, तो मेरे हाथ से निकल नहीं रहा था। तो मैंने बोला क्या ये डियोर का ऐसे क्लीन नहीं होता है क्या हाथ से? तो कहते नहीं मैम, इसमें ना एक खासियत है, जितनी भी ब्रांड की चीजें आप यूज करोगे ना, जैसे फाउंडेशन हो गया, अभी डियोर हो गया या कोई और ब्रांड हो गई, तो क्या होगा धीरे धीरे ना आपका कलर कॉम्प्लेक्शन गोरा होता चला जाएगा। मैंने किसी और ने बताया था, मैं ये किसी और ने बताया, पुलकित ने नहीं बताया, पुलकित ने नहीं बोला कि नहीं, किसी दूसरे भैया ने, पर वहीं पे जो थे उन्होंने बोला ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने तो पर अभी लगाया ना, तो मैं अभी गोरी हो गई। तो उन्होंने फिर क्लेंजर लगा के उसको निकाला। मतलब कितना आपको देने के लिए कितना पागल बना देते हैं, ये चीज मैंने देखी। और ठीक है 5100 का डियोर का फाउंडेशन था, मेरे को नहीं पता कैसा होता है कैसा नहीं होता है, पर मेरी शेड में नहीं था तो मैंने नहीं लिया। और फाउंडेशन में मेरे हिसाब से 5-6 हजार स्पेंड करना इज नॉट लाइक, जो मेकअप के बहुत शौकीन है वो कर सकते हैं, मेरे जैसी तो नहीं करेगी। तो मैंने तो बड़ा नॉर्मल सा फाउंडेशन लिया हुआ है अपना, 4000 का है वो भी, पर वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा फिट में और मेबलिन ही बढ़िया। आप बताना आप कौन कौन से फाउंडेशन यूज करते हो, क्या पता कोई मेरे काम का निकल आए, क्योंकि मैं भी मेबलिन और फिट मी के साथ हैप्पी रहती हूँ। सो गाइस कल मेरी अमेजोन की लाइव है और वो क्रिसमस स्पेशल है, तो इसीलिए हमें डेकोरेशन करनी पड़ रही है। और अभी हमने अपना क्रिसमस ट्री जो है वो डेकोरेट कर दिया है। अभी पीछे हम लोग एक फेरी लाइट लगा रहे हैं पर वो ऑन नहीं हो रही है, तो साहिल अभी पूरा जुगाड़ कर रहे हैं उसको सही करने की। और अगर ये ऑन हो गई तो थोड़ा मेरा काम कम हो जाएगा, तो अभी देखते हैं कैसा लगता है। फाइनली गाइस जो मैं चाहती थी वैसा हो गया है, पर जैसे मुझे ना ये सेटअप बनाना है पूरा क्रिसमस स्पेशल, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है साहिल, जो ये हमने इसका किया है ना वायर का काम, ये वियर्ड लग रहा है। या तो ये कर्टन के पीछे आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे दिखे ना, हाँ कुछ ऐसा सेट हो जाए। कल 3 बजे की लाइव है तो आप लोग देखना, मिस मत करना, क्योंकि आप लोग आते हो तो मुझे हिम्मत मिल जाती है। सो गाइस कल जैसे कि 3 बजे मेरी अमेजोन लाइव है, मैंने आपको बताया था, तो क्रिसमस से स्पेशल है, क्रिसमस स्पेशल है, तो अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेड वाइट पूरा ये जो मैंने मंगवाया है अमेजोन से, बहुत ही चीप प्राइस पे मंगवाया, अंडर 500, 500 रुपये से भी नीचे की आउटफिट्स है। कल पूरी लाइव पे अच्छे अच्छे से इनके बारे में बताऊंगी और पहन कर दिखाऊंगी। अभी तो पूरी तरीके से ठीक नहीं होना, मैं मेरे सर में भी दर्द है, तो मेरे से बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। साहिल वैसे मेरी हेल्प करा रहे हैं, बस मैं इन्हें लगा दूं, क्योंकि इस वाले स्टैंड पे पूरा मुझे इसको अभी हैंग करना है, इस वाले स्टैंड पे।